रामदास, तुमने औरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी तो निभाई, लेकिन अपने प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना भूल गए। तुम ये भूल गए कि सेवा के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत जरूरी है। शरीर सलामत हो तो समाज सेवा की उम्र भी बढ़ जाती है। हमने कितना समझाया इनको, लेकिन ये हमारी सुनते ही नहीं थे। काकी, ये गलती सिर्फ रामदास ही नहीं, कई लोग करते हैं। वो भूल जाते हैं कि अगर वो ईश्वर को मानते हैं तो उसके द्वारा दी गई इस काया का सम्मान भी करना चाहिए। अगर वो अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये ईश्वर की भेंट का अपमान है। मैं जानता हूं साय, मुझे मेरे गुनाहों का एहसास हो चुका है। मैं तुम्हारा भी गुनहगार हूं, हो सके तो मुझे माफ कर देना। सही, बस आखिरी बार मैं कुछ मांगना चाहता हूं। आपकी गोद में सर रखकर मुझे आखिरी बार सोना है। और दूसरा, हर जन्म में मैं आपका भक्त बनकर लोगों की सेवा कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए मुझे। राम जी भला करे। दशा दिशा जीवन की बदले साई नाम प्रभाव, जब हृदय में नाम तुम्हारा रहे ना कोई अभाव। बस इतनी विनती है बाबा, तुमसे रहे लगा, तुमसे निकल कर तुमको पाऊं ऐसा रहे बहाव। गुरुवर मेरे सदा रहे मन तेरे भाव में, तरस रहा हूँ दरस दिखा दो मेरे साई बाबा, मेरे साई बाबा, मेरे साई बाबा, मेरे साई बाबा। Thank you.
क्या कर रहे हो केशव? देखिए ना साईं, चूहे ने यहाँ बिल बना दिया है, अभी अभी बाहर निकला है, इसीलिए इसे बंद कर रहा हूं। लेकिन किस लिए? जीना मुश्किल कर दिया है साईं, अनाज खराब कर रहे, ऊपर से दो कंबल थे, हमने सोचा किसी अतिथि के काम आएंगे, परसों वो भी कुतर दिया, अब लौट के ना आए, इसीलिए मैं इसे बंद कर रहा हूं। तुम जानते हो केशव, तुम क्या कर रहे हो? किसी से उसका घर छीन रहे हो तुम। वो कहीं और घर बना लेगा साईं। लेकिन अभी तो उसका यही घर है, अगर ये छीन गया तो उसे दुख होगा। लेकिन वापस लौटेगा तो फिर कुछ खाएगा। तो ये उसकी नहीं केशव, हमारी गलती है कि हम अपनी चीजों को संभाल कर नहीं रख रहे हैं, और अपनी गलती की सजा किसी और जीव को देना, क्या ये सही है? सही कह रहे हैं आप साईं, बड़ी गलती करने से आपने मुझे रोक लिया, शुक्रिया साईं। ₹100, ₹200, रामबाबू आपकी पत्नी अभी भी घर के अंदर बैठी है और नीलामी शुरू हो चुकी है, वो अंदर नहीं बैठ सकती, उन्हें बाहर लाना ही होगा। ₹100 और ₹100 120 नीलामी चालू हो गई है और अब हमें यहां रुकने का कोई अधिकार नहीं है। सुविधा, आओ बाहर चले। डोली आई थी मेरी इस घर में, इस घर के हर कोने कोने से मेरी याद जुड़ी है, बस उसे समेटने की कोशिश कर रही हूं। साईं सब ठीक कर देंगे, सुविधा तुम चिंता मत करो। ओम साईं राम। अब तो होश में आ जाइए आप, साई का नाम जप कर करके आखिर आपको मिला क्या? यहाँ तक कि हमारा घर भी नीलाम हो रहा है और ये देखे जा रहे हैं। सुविधा, तुम साई को मानती नहीं हो क्योंकि जानती नहीं हो, उन्हें सबकी चिंता रहती है। कहाँ है चिंता, मुझे तो महसूस नहीं हो रही है। अगर आपको अपने साई पर इतना ही विश्वास है ना,
तो इनसे कहिए कि यहाँ आकर कोई ऐसा चमत्कार करे कि हमारा ये घर नीलामी से बच जाए। आपने अपने घर परिवार से पहले साईं को माना है, आज अपनी उसी भक्ति की कीमत मांग कर देखिए जरा। भक्ति में ना कीमत चुकाई जाती है ना मांगी जाती है, इसलिए वो भक्ति है, नहीं तो सौदा होता, गुरु माँ की तरह होता है। जैसे बच्चे की पीड़ा माँ बिना बताए समझ जाती है, उसी तरह शिष्य की पीड़ा भी बिना बताए गुरु जान लेते हैं। हम अहमदनगर में हैं, तो भी साई को हमारी तकलीफों का एहसास होगा। हमारी तकलीफ का तो ये कब करेंगे कुछ? पूरी बेइज्जती तो हमारी हो चुकी है, अब बाकी क्या है? ₹350 ₹350 एक ₹350 दो ₹350 ₹400 400 की बोली लगी है, पूरे ₹400 की। और कोई है जो 400 से बड़ी बोली लगाना चाहता है? सुना आपने, 400 की कीमत लगी है हमारी इतने सालों की यादों की। लेकिन आपके साईं, जिनका नाम दिन भर इस घर में गूंजता था, वो तो अनजान है आपसे। उन्हें तो पता ही नहीं है कि उनके भक्त पर क्या बीत रही है। अपने मन से साईं को निकाले या ना निकाले, लेकिन मैं अपने इस घर को छोड़ने से पहले आपके साईं को निकाल के रहूंगी। ₹400
₹400 दो। ₹450 कोई जो 450 की बोली के ऊपर लगा सके। ₹450 एक, ₹450 दो, ₹450 ₹470 500 है कोई जो ₹500 से ऊपर की बोली लगा सके। ₹500 ₹500 दो, और ₹500 तीन, ये मकान पूरे ₹500 में राम भाव को नीलाम हुआ। राम भाव पैसे जमा करो। जी। ₹520 ₹530 चाहे जितने भी लेना हो आपको, इसे बेचकर आप ले लीजिए। मेरा घर मुझे सौंप दीजिए। हेलो रामलाल। ओ सुख दुख आने जाने हैं और साए बाबराए मनवा तेरा लज न जाए, मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए। सुबह धन्यवाद मेरे साई, राम समझाए।
कर दीजिए साईं। आज मेरे पति की आस्था जीत गई और मैं हार गई। तुम हारी नहीं हो सुविधा, क्योंकि तुमने भी आज साई को पा लिया। अब मैं ये समझ गई हूँ, ये साई का ही चमत्कार है जिसकी वजह से ये घर वापस हमें मिला। इस घर पर सबसे पहला हक साई का ही है। आज से साई इस घर के मालिक हैं और हम उनके सेवक। क्यों ना आज से हम इस घर को साई निवास कहकर बुलाएं? ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। आज से हमारे घर का नाम होगा साई निवास। साई हमारे घर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। जी भला करें। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।